रिगार्डिंग दिस? नो सर, नो सर. एक थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था सर. प्लीज दिस इज फॉर क्वेश्चन आंसर बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग द लेक्चर. या सर, मैंने थोड़ा सुना है कि मैंने भी सर थोड़ा थिएटर किया है 1 साल तक, और मैंने ऐसा सुना है कि एक एक्टर को सर जरूरी है कि डायरेक्टर का पपेट एक्टर होना है. एक एक्टर शुड बी ए पपेट. अभी तक आप खाना खा रहे हैं क्या? खाना आप ही खा रहे थे? नो सर, मैं नहीं खा रहा था. कोई और खा रहा था? अच्छा, आपका वीडियो क्यों ऑन नहीं है? इट वुड बी बेटर इफ आई कैन सी यू ना. सर एक्चुअली सर मैं भी थोड़ा सा वो घर का कुछ वर्क कर रहा था, तो डेट्स व्हाई. अच्छा, ओके ओके. या से हाँ तो सर, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि ऐसा जरूरी है कि एक एक्टर को हमेशा डायरेक्टर एक्टर होना चाहिए? जो डायरेक्टर बोले वही एक एक्टर करके दे. आपको क्या लगता है? अच्छा, सर मेरे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए. सर बिकॉज फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम एंड थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम, वी से इजंट इट? सर, यस. एनी अदर क्वेश्चंस? देव, व्हाट अबाउट योर वीडियो? यू आल्सो नॉट प्रेजेंट? नो सर, आई एम प्रेजेंट. सो द प्रॉब्लम इज आई हैव नेटवर्क इश्यूज. आई डाउट इफ आई ऑन माय वीडियो नेटवर्क विल बी आई वोंट बी फॉर एनीथिंग. पार्डन? आई हैव अ नेटवर्क इश्यू, सो आई थिंक इफ ओके आई कवर माय वीडियो आई वोंट बी फॉर एनीथिंग बिकॉज़ देयर इज लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यू फ्रॉम माय साइड. ओके 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 सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन फॉर टू आस्क, एनी अदर क्वेश्चंस? सो लाइक आई अंडरस्टैंड, या सो आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू. प्लीज I recently made a पूछिए. short film, which मैंने अभी recently एक short film बनाई है. तो उसमें जैसे इशू क्या हुआ कि आई कास्टेड एन एक्टर एंड वो शी वाज नॉट एबल टू पुट हर वो सही से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी. वी पुट लॉट ऑफ ठीक से एफर्ट्स, एक्टिंग नहीं कर मैंने पा रही एक थी? वीक तक प्रैक्टिस क्या करा बोल दी. रहे हैं? ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी? हाँ हाँ नहीं कर पा रही थी, मतलब उससे एक्टिंग नहीं हो पा रही थी. एक ये प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करी, प्रैक्टिस करवाई. तो बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था. शी वाज वेरी मच एरोगेंट एंड एवरीथिंग कि तुम्हें डायरेक्शन नहीं आती है वो. एंड देन शी वाज नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग. और उसने प्रैक्टिस करी 1 वीक, बहुत ज्यादा किया मेहनत, फिर भी सीन अच्छा नहीं आया. एंड मेरे को मेरे सीनियर्स ने बोला भी कि चेंज कर लो एक्टर, और आई डिडंट नो हाउ टू चेंज द एक्टर. मतलब मैं इसको कैसे बोलूँ या फिर कैसे मैं कास्टिंग चेंज कर सकूँ. एंड इज इट राइट टू चेंज द एक्टर इन द मिडिल? क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई मेरे साथ रिसेंटली. मेरी फिल्म कब कल ही आई है. एंड क्योंकि ये एक सीन पूरा खराब हो गया इस कारण ही मेरा पूरा. देखो देव भाई, देखो हाँ सर, चैट मत एक्चुअली करो. इंस्टाग्राम चैट पे डोंट चैट, डोंट चैट जयंत, डोंट चैट. यू कैन आस्क लेटर. इफ यू वांट टू आस्क, यू रेज योर हैंड एंड यू आस्क. सो देव, द थिंग इज दैट हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप? मी द डायरेक्टर. कोई भी पिक्चर अच्छा होता है, खराब होता है, उसका क्रेडिट सबसे पहले किसको मिलता है? डायरेक्टर. अगर खराब पिक्चर होता है तो किसको उसका ब्लेम लेना पड़ता है? डायरेक्टर आपके सवाल का जवाब आपको मिला? सर, मेरा क्वेश्चन है कि इज इट राइट कि उसको मैं बीच में बोल दूं कि नहीं, वह पे चेंज द एक्टर है ये वो. सर आप अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं या खराब? अच्छे सर, ओके, मिल गया तो जवाब. आपको आपको क्या करना चाहिए था या क्या करना चाहिए अगली बार? अगली बार थोड़ा सा आई हैव टू से इट कि हाँ, मतलब यू हैव टू चेंज एक्टर, मुझे चेंज करना पड़ेगा. वे आउट पॉइंट करना पड़ेगा एक्चुअली कि कैसे करना है, बट या
पहली बात तो कास्टिंग सही करना होगा आपको, राइट? हाँ सर। आपने कास्टिंग में गड़बड़ी की, आपकी पहली फिल्म में गड़बड़ी हो सर सकती है। अब आप देख रहे हैं, जब फिल्म एक्चुअली बन हुई रही क्या है, कि जब फिल्म उसके बन रही है, सुनो, जब फिल्म बन रही है तब खराब आपको दिख रहा है सब कुछ, तो आप ऐसे आप कंटिन्यू करेंगे तो किसका सर मिस्टेक है? आप ही का मिस्टेक है। अगर अब आपको उसके गुड बुक्स में रहना है या आपको अच्छी फिल्म बनानी है, आपको डिसाइड करना होगा। यस सर एथिक्स गुड एक बुक्स नहीं अलग था इशू सर। है आई कि वाज आप अच्छा इंसान हाँ बनिए सर तभी आप अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट अगर कोई काम सही से नहीं करना है तो उसको निकालना ही पड़ेगा ना, चाहे वो फिल्म का काम हो या आपके घर की बाई हो, अगर काम ठीक से नहीं कर रही तो आपको निकालना पड़ेगा ना। इज इट राइट और रॉन्ग का सर क्या सवाल आता है इसमें? हाँ सर क्या बताओ समझे? अगर घर में काम भाई ठीक से नहीं कर रही है तो उसको निकालना सर। पड़ेगा ना, या आप कहीं जॉब पे जा रहे हो और आप ठीक से काम नहीं कर रहे तो आपका बॉस क्या बोलेगा? इज इट राइट टू थ्रो देव आउट? इज इट राइट? यह बोलेगा देव भाई कल से मत आना, बोल ये भाई क्योंकि कल से उसको नहीं अपनी आना। कंपनी देखनी है ना। आप एक फिल्म बना रहे हो ना, आप कोई ये तो नहीं चला रहे। आप अपना, आप अगर नेक काम करना चाहते हो आप एनजीओ ज्वाइन करो। आप फिल्म बनाते बनाते अगर ये सब सोचोगे तो कैसे चलेगा? बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रूड होना है, आपको एरोगेंट होना है, क्योंकि ये मैं बिलीव नहीं करता कि अगर आप इस तरह के पर्सन होंगे तो आप अच्छी फिल्म बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। लेकिन आपका काम खराब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टर को फायर नहीं करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिक्टेटर बन जाओ कि हाँ मैं डायरेक्टर हूं और मैं डिक्टेटर हूं, मैं एरोगेंट हूं, कंसाली की तरह बन जाओ, फोन लेके असिस्टेंट डायरेक्टर के मुंह पे मारो, गरम दूध असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर डाल दो। बॉर्डर लाइन हाँ, आप वो अपना बॉर्डर काम लाइन अच्छे है, अच्छे इधर भी नहीं से भी उधर भी नहीं, वो निकलवा किस सकते टाइप हो, जैसे सत्यजीत रे निकलवाते थे, है ना? कि आप फर्म रह सकते हो, यू कैन बी फर्म एंड गेट योर वर्क डन। सी वी ऑल हैव टू लर्न, दिस इज नाउ यू आर आस्किंग मी अबाउट ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरेक्शन। सो अल्टीमेटली फिल्म मेकिंग टीचेस यू एवरीथिंग। सो इसका सर मतलब ये है कि फिल्म मेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा साइंस है कि आप सिर्फ तकनीकी चीज जान लेंगे, कैमरा ऑपरेट करना जान लेंगे, आप एडिटिंग करना जान लेंगे तो आप फिल्म मेकर बन जाएंगे। नहीं, सबसे डायरेक्टर भूल कहाँ पे खाता है, सबसे मुश्किल काम क्या है वर्किंग विद एक्टर्स, जो कि इस तरह के सवाल आते हैं। कोई कितना भी टेक्निकल जीनियस हो, अगर उसको एक्टर्स के साथ काम करना नहीं आता, कमिंग बैक टू अ वेबिनार टॉपिक, तो हिज फिल्म विल बी स्क्रूड, बिकॉज एक्टर्स आर द पर्सन हु आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सर कितना भी आप अच्छा लाइटिंग कर लो, कितना भी अच्छा आप आर्ट डायरेक्शन कर लो, सब कुछ अच्छा अच्छा कर लो, लेकिन अगर आपका एक्टर ही सही नहीं परफॉर्म करे तो सब वेस्ट है ना। और फॉल्ट किसका है? डायरेक्टर का। फॉल्ट सिर्फ डायरेक्टर का ही होता है, कोई बाद में कोई नहीं बोलेगा अरे वो एक्ट्रेस तो अच्छी बिहेव नहीं करती थी, उसने मेरी बात से कोई सुनेगा नहीं। नोबडी केयर्स, डायरेक्टेड बाय देव खेतान, मैटर ओवर, चैप्टर फिनिश। कोई नहीं बोलेगा कि हाँ अरे यार वो तो आपका, आप क्या हॉल के बाहर खड़े रहोगे बोलने के लिए नहीं नहीं वो एक्ट्रेस ने मेरी बात नहीं सुनी थी इसलिए वो शॉट खराब आया था। नहीं, वो लोग बोलेंगे भाई टिकट का पैसा वापस दो, है ना? टमाटर कहाँ है, आलू कहाँ है, प्याज कहाँ है, देखो इस पे तो आप तो खड़े नहीं रहोगे माइक लेके। ये सीन के एक्चुअली ना पुराने जमाने की तरह की पिक्चर भी चल रहा है और कोई पियानो भी बज रहा है और कोई बोल भी रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली? क्या हुआ था, ये जो है ना, ये एक्ट्रेस ने खराब मेरे बात नहीं सुनी, इसको मैंने इतना ट्रेनिंग किया, इसका
इसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था, फलाना ये है ना, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, लोग शॉर्ट देखेंगे पिक्चर देखेंगे, बोले तो क्या बकवास पिक्चर बनाया है। गेट माय पॉइंट राइट? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Yes, I got the point, sir. ओके ग्रेट। Yes, sir. Wonderful, sir. या एनी अदर क्वेश्चंस? सर, अगर सॉर्सेसी एंड अदर डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता कि सर हाउ द सर कैन यू गिव अ डायरेक्टर्स लिटिल डिटेल अबाउट. एक मिनट, आशीष बोल रहा था। हाँ बोलो, यस सर, वन जैसे बाय वन। हमने शुरुआत में थोड़ा बात किया कि सर सॉर्सेसी एंड सत्यजीत रे का क्या रहता है पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उनका डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट में क्या रहता है उनका, मतलब उनका, जैसे सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सर रिसेंटली एक मूवी आई थी ट्रिपल आर. सर ट्रिपल आर मूवी का मैं इतना बड़ा फैन हुआ कि आज मैं उसका ही शर्ट पहन के आया हूँ, रामचरण का. तो सर उसमें एक सीन था जिसमें कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि मतलब रामचरण एक क्राउड में फाइट करते हैं. तो सर उस सीन में क्या हुआ कि इतने सारे क्राउड को मैनेज करने के लिए एक मतलब एक तकनीक है जिसको कि SS राजामौली ने मतलब यूज किया था, वो था सर लो फ्रिक्वेंसी साउंड को उन्होंने यूज किया था जो कि कान को काफी चुभता है. तो लो इतने सारे क्राउड को पता चलेगा मतलब ये शॉट चल रहा है, ये शॉट अभी खत्म हो गया, तो उनको मैनेज करने के लिए वो साउंड वो यूज करते थे. तो सर ऐसा कोई आपने जैसे बताया कि सत्यजीत रे सर एक बच्चे जो था मतलब अपूर अपूर कुछ सर ये नाम था सर अभी जो फिल्म था, तो सर उसमें संसार जो एक अपार संसार ऐसा कुछ सर फिल्म था, तो सर उसमें एक बच्चे को अपूर ट्रेनिंग, अपूर संसार, मैंने मेल भी किया है आपको। हाँ यस सर, उस बच्चे को कैसे ट्रेन किया, मतलब एक तरह से उनको अप्पू अप्पू बुलाएंगे तो सर वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो सर ऐसा कोई और तकनीक वो यूज करते थे डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट्स में उनका कि मतलब यूनिक आइडियाज हाउ दे देखो यार, टॉक के लिए। टेक्निक तो बहुत सारा होता है और बहुत अलग अलग डायरेक्टर अलग अलग तरह से काम करते हैं, यस सर, और इसके लिए तो लंबा स्टडी है, ये तो एक वेबिनार में या एक आंसर में मैं नहीं बता पाऊंगा। आप हमारा स्कूल ज्वाइन करिए, तब आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी एक एग्जांपल एक और आपको बताता हूँ। एक फिल्म है जिसका नाम मैं बताना भूल गया, मेल लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं, बाइसिकल थीफ, किसी ने देखा है? डिसिका का, विटोरियो डी सिक्का करके फिल्म मेकर थे। ये नियो रियलिस्टिक फिल्म है, पहली नियो रियलिस्टिक फिल्म वर्ल्ड की, मतलब रियलिटी पे बेस्ड। जो आप कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म रियलिज्म फिल्म में रियलिज्म होता था, रियलिज्म मतलब सच्चा टाइप का फिल्म, यू नो रियलिस्टिक फिल्म्स, राइट? यस कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रियलिस्टिक फिल्म? सर, रियलिस्टिक मतलब सर बायोग्राफी या फिर एनीबडी? रियलिस्टिक मतलब सच, मतलब जो एक्चुअली जैसा है वैसा दिखाना, सर लाइक मतलब फैंटेसी नहीं। कश्मीर फाइल्स? नो, दैट इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म। रियलिस्टिक फिल्म एनीवे मैं आपको बताता हूँ, एक बाइसिकल थीफ 1950s में बना था और उस समय हॉलीवुड का बहुत बोलबाला था, तो लोगों ने सोचा यार ये स्टार सिस्टम था और बड़ा बड़ा बजट, छोटा बजट में कैसे इंडिपेंडेंट फिल्म का स्ट्रगल रहे। तो डिसिका भी बहुत ही बहुत बड़े फिल्म मेकर थे और बहुत बड़े फिल्म मेकर हो गए, वर्ल्ड में उनका सबसे बहुत नाम है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स हु एवर लिव्ड। सो ही स्टार्टेड दिस मेड दिस फिल्म कॉल्ड बाइसिकल थीफ। बाइसिकल थीफ में क्या होता है, इटली में वॉर के बाद बहुत गरीबी था, बहुत ही मुफलिसी था, खाने को पैसे नहीं थे, लोग अपना घर का बेडशीट बेच के खाना जुगाड़ करते थे, यू नो इस तरह का सिचुएशन था। तो बाप सुबह काम खोजने जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, उसका एक ही एसेट है बाइसिकल, साइकिल, साइकिल लेके बाप और छोटा सा बेटा, वो लोग दिन भर घूमते हैं, काम खोजते हैं, काम मिलता नहीं है, मजे करते हैं, थोड़ा पैसा होता है खाने में उड़ा देते हैं, कल की किसको खबर, यू नो वेरी, और उसका साइकिल चोरी हो जाता है। हाँ द मेन थिंग इज शुरू में ही उसका साइकिल चोरी हो जाता है, तो पूरे फिल्म में वो लोग साइकिल अपना खोज रहे हैं, साइकिल को, साइकिल की खोज में है। तो एंड में इतना डेस्परेट हो जाता है बाप कि किसी और का साइकिल चुराता है लास्ट में जाकर, लास्ट में, और ये बच्चा जो है वो देख लेता है
कि उसका बाप खुद चोर निकला। आप समझ रहे ट्रेजेडी? हेलो, हाँ अनम्यूट रखो, अनम्यूट रखो प्लीज। हाँ तो आप समझ रहे हैं ट्रेजेडी क्या है, अगर आप अपने खुद के ही डैडी को देखोगे एंड में चोरी कर रहे हैं, है ना? सो व्हाट इज द इंप्रेशन द चाइल्ड विल गेट? सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट दैट परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट स्मॉल चाइल्ड? एंड ही वॉज नॉट एन एक्टर, ही वॉज अ रियल पर्सन। उसने सब सैरट पिक्चर देखा है किसी ने, मराठी फिल्म सैरट? नहीं सर। तो उसमें भी रियल एक्टर्स थे। बहुत सुपरहिट फिल्म है झिंगाट गाना है, जो हिंदी में बहुत खराब रीमेक था, उसका ओरिजिनल है सैरट, वो देखिए। उसमें नागराज गाना मंजुली ने रियल एक्टर्स को लेके कास्ट किया, अपने घर में रखा, वर्कशॉप्स कराया, और उसको तो क्या है बच्चे से कैसे रुलाए। तो ऋषिका ने क्या किया, बहुत ही खराब काम किया है, जो कि मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ। ऋषिका ने बच्चे का बहुत मजाक उड़ाया। बच्चे को बोला तू इतना गरीब है, तू कहाँ रहता है, तेरे माँ बाप गरीब है, एक्चुअली तो कोई और माँ बाप थे उसके, तेरा लिविंग कंडीशंस बहुत खराब है, तू मतलब बच्चे का बेसिकली बच्चे को बहुत मजाक उड़ा है। बच्चा रोने लगा और उसने वो शॉट में ले लिया, और बाद में उसको बहुत सॉरी बोला, उसको बहुत किसेस किया, उसको बहुत ये किया। तो बेसिकली ये जैसे टेक्निक आप पूछ रहे थे ना मुझे आशीष, यस सर, तो यस ये सर। टेक्निक ऋषिका ने यूज किया, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। हाँ बट यू सी, सो देयर इज नो फिक्स्ड आंसर। दिस इज अ सीन फ्रॉम अ फेमस लेजेंडरी फिल्म कॉल्ड द बाइसिकल थीफ। यू बाइसिकल, वॉच दैट, एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट फिल्म मेकिंग एंड वर्किंग विद एक्टर्स एंड यू नो द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, देन यू प्लीज ज्वाइन सिनेमा सत्संग फिल्म स्कूल। I have a lot of experience, 20 years experience in teaching. I have taught in Subhash Ghai's Film School, Ramesh Sippy's Film School, and currently there are like around 300 students of mine working in the industry. Some are very big directors. Shashank Khetan was my student, although he was from the first batch, and you know many others. So then I can tell you, and we are not a very we don't charge huge fees and all, so I can share with you the whole experience and the whole knowledge. Because you see, आपको जानना तो जरूरी है, अगर फिल्म मेकिंग में आना है, फिल्म मेकिंग पढ़ना है, स्क्रिप्ट लिखना है, तो आपको जानना तो पड़ेगा। चाहे आप फिल्में देख के जानो, किताब पढ़ के जानो, फिल्म स्कूल ज्वाइन करके जानो, जानना तो चाहिए, क्योंकि इतना वास्ट नॉलेज है यूट्यूब वगैरह इधर उधर, लेकिन उसको एक आप नाव में जा रहे हो तो नाव चलाने वाला कोई चाहिए ना आपको, यहाँ से वहां पहुंचाना है तो गाइड करने वाला कोई चाहिए ना, वहां तक जाने जाने के बाद आप द वर्ल्ड इज योर्स, बट इनिशियली यू नीड टू वैडल थ्रू दैट इंफॉर्मेशन। फॉर दैट यू नीड अ कोच, यू नीड अ मेंटर, एंड फॉर दैट वी हैव दिस सिनेमा सत्संग ऑनलाइन फिल्म स्कूल। एनी अदर क्वेश्चंस? तो आशीष, वेयर आर यू फ्रॉम? ओडिशा। सर, आई एम फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर। ओके, या एंड व्हाट आर यू स्टडिंग? आई फॉरगॉट। बीटेक, सर, आई एम स्टडिंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बीटेक। तो यू वांट टू मेक फिल्म्स? सर करेंटली आई एम टू यंगर फॉर दैट, बट आई हैव द पैशन एंड व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? सर 20। इट्स नॉट यंग, यू नो, यू राइट डाउन अ फिल्म मेकर्स नेम, ऑर्सन वेलेस। यस ऑर्सन वेलेस ने 20th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट फिल्म बनाया, जिसका नाम है सिटीजन केन, अच्छा जो कि आज तक लोग, इट्स वन ऑफ द टॉप फिल्म्स ऑफ 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी। ऑर्सन वेलेस, उसने 23 या 25 साल की उम्र में सिटीजन केन बनाया, जो कि वर्ल्ड का टॉप फिल्म है आज तक। सर। ने खुद एक्टिंग किया और डायरेक्ट किया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यू आर टू यंग और टू ओल्ड। ऑल्दो आई अप्रिशिएट योर सेइंग यू आर यंग, बिकॉज यंगस्टर्स आजकल लगते हैं उनको सब कुछ आता है, बट
ऐसा फिल्म मेकिंग में कोई एज नहीं होता, आप यंग भी हो सकते हो और आप 80 साल के भी हो सकते हो। 80 साल के माइकल हैनेके को कांस में अवार्ड मिलता है, हालांकि यस सर, हमारे इंडिया में उल्टा है, जितना डायरेक्टर ओल्ड होता है उतना सटियाते जाते हैं। पहले 10 साल पहले तो ये सिचुएशन, लेकिन हाँ फॉरेन में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है वो लोग अच्छा और अच्छा अच्छा फिल्म बनाते हैं। बट ऑर्सन वेल्स जैसे भी लोग हैं और भी जैसे 20 20 25 25 साल में ऑस्कर जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एज इज नॉट अ फैक्टर इन सिनेमा, वेदर यू आर 25 और 80, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। Sir, actually, I'm from Odisha, and in our industry, considering our industry is Hollywood industry, तो सर हमारे इंडस्ट्री बहुत ही छोटा इंडस्ट्री है और हमारे यहाँ से सर फिल्म अच्छे नहीं बनते सर। सर हमारा जो हाँ ऑडियंस है सर बहुत ही, कोई नहीं जाता सर ओडिया फिल्म देखने के लिए, हॉल पूरा खाली जाता है और कोई मतलब 10 लोग भी नहीं जाते हैं पैसा दे के थिएटर में। देखो, अभी अभी फिल्म हॉल में रिलीज करना जरूरी नहीं है, आज का जमाना बदल गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, तो यस सर, हॉल में अभी हॉल का जमाना गया। और किसी को कुछ पूछना है? बोल ऋतिक, आप कुछ बोल रहे थे, आप कहाँ से हो ऋतिक, मैं भूल गया। यस आई एम फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि कोई भी एक शॉर्ट फिल्म, बिकॉज स्टार्टिंग शॉर्ट फिल्म से ही होती है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन नीड्स टू डू? मतलब थिंक ऑब्वियसली ऑफ हमारे एन पास एक आइडिया, स्क्रिप्ट होनी चाहिए। थिंक ऑफ अ स्टोरी, देन यू हैव टू राइट द स्क्रिप्ट, देन यू हैव टू डू प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट इन्वॉल्व्स कास्टिंग, इट इन्वॉल्व्स हायरिंग ऑल द राइट पीपल, प्लानिंग, शॉर्ट ब्रेकडाउन, हाउ विल यू शूट योर फिल्म, लोकेशन रेकी, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। देन यू हैव द शूट मैंने व्हिच हैज अनदर थाउजेंड्स ऑफ थिंग, लाइटिंग, यू नो, वर्किंग विद एक्टर्स, रिहर्सल, साउंड, देन यू हैव पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, देन साउंड। साउंड में ही सिर्फ 5 डिपार्टमेंट है। देन यू हैव कलर करेक्शन, ग्रेडिंग, बहुत बहुत, ये एक प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर आप तो बता सकता हूँ, या ये किताब आप एक पढ़िए खरीद के, ये है मेकिंग मूवीज बाय सिडनी लूमेट। ओके ये वाला आप किताब पढ़िए, इसमें आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे। बिकॉज आई गेस मेकिंग मूवीज बाय स्टार्टिंग सिडनी लूमेट। ये सिडनी लूमेट हॉलीवुड के डायरेक्टर थे, इन्होंने 50 से ज्यादा फिल्में बनाई। ओके थैंक यू सर। और देव और जयंत, आप लोग को कुछ बोलना है, पूछना है? देव एंड जयंत, आई गेस दे आर नॉट देयर। हेलो सर, ठीक है हेलो देन। या यू वांट टू से समथिंग, आस्क समथिंग बिफोर वी रैप अप? नो सर नो सर। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? सर मैं दिल्ली से। दिल्ली से। आप क्या कर रहे हैं अभी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर अभी अभी सर मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, और बिसाइड दिस मैं पिछले 1.5 साल से मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ईयर सर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं FTI के लिए भरूँ। What, as a director? नो सर नो सर, लाइक स्क्रीन एक्टिंग, आई वांट टू बिकम एन एक्टर नो। Acting, actor. यस Okay, सर स्क्रीन great. एक्टिंग। We also have a very good acting faculty. You can try our classes as well. Because वहाँ पे direct entry ऐसे नहीं मिलता है, उसका भी process लंबा होता है. You might be knowing. उसमें यस सर आपको यस सर आई जीके नो सर। जीके का क्वेश्चंस होता है, फिर फिल्म का सिनेमा अप्रिसिएशन, ये जो सब मैं नाम बोल रहा हूँ, बाइसिकल थीफ और अपूर संसार, पथेर पांचाली, ये सब फिल्मों पे क्वेश्चन आएंगे आपको। पहले तो आपको वो रिटेन क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होता है, फिल्म स्कूल जो है SRFTI और FTI, वहाँ का एडमिशन बहुत टफ है। SRFTI में एडमिशन लेने के पहले मैंने चित्रबानी करके एक स्कूल है कलकत्ता में, वहां पे पहले 1 साल पढ़ाई की, तब जाके मैं
SRFTI में मेरा एडमिशन हुआ, मैं नंबर 2 पे था रैंक उस साल पूरे इंडिया में से। तो बहुत मुश्किल है, पहले रिटेन होता है, उसके बाद आपको जाके वहां पे एक्टिंग करवाएंगे, आपसे देखेंगे। तो अगर आप हमारा एक बेसिक कोर्स कर लोगे, एक्टिंग और फिल्म अप्रिसिएशन कंबाइंड, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टुवर्ड्स एफटीआई, यू नो। अदरवाइज आप सर एक कैन यू साल टेल मी जाओगे, फिर दूसरी सर साल जाओगे, फिर तीस, ऐसा तो हो भी सकता है, यू माइट ऑलरेडी कैन बी ऑन, बट इट वाज माय यू जॉब टू टेल यू। एंड टेल मी द फी कैन यू टेल मी द फी स्ट्रक्चर दैट विल टेल यू, विल कॉल यू एंड विल टेल यू। ओके सर ओके, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, दैट मच आई कैन से, इट्स वेरी चीप। एंड देव, फाइनली यू वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग? हेलो, आर यू देयर कामायनी जी? व्हाट यू वांटेड मी टू शो? चिराग, यू मैसेज मी समथिंग? और कामायनी जी, क्या क्या चिराग, व्हाट यू वांट मी टू शो? YouTube क्लिप्स दिखा दो एंड देन वी कैन रैप अप विद दैट यू वांट मी टू शो देम दैट समथिंग? YouTube या मूवीज का वो वीडियो क्लिप्स ओके, आई YouTube वाला जो था वांट टू सी माय मूवी क्लिप चिराग? सर। अगर आप बुक रिकमेंड कर सकते हैं थोड़ा सा तो स्टडी ये तो कैसे किया कुछ। मैंने, ये देखो ना, ये रहा। यस सर, मेकिंग मूवीज। यस सर, सेल्फ स्टडी। हाँ, सिडनी लूमेट। यस सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चिराग, यू वांट टू सी? नो नोबडी नो एल्स आई वांट्स टू वांटेड सी? टू शो देम इफ यू वांट अदरवाइज वी कैन ओके रैप ओके, या, एनीबडी वांट और समथिंग एल्स? अच्छा, एनीवेज, टेल मी बिफोर वी रैप अप, देव, आर यू देयर? बिकॉज यू आर पार्टिसिपेटिंग अर्लियर। He सो doesn't seem एनी, to be there. हाँ, सो एनी फाइनल कमेंट्स फ्रॉम आशीष, ऋतिक एंड जयंत बिफोर वी रैप अप? डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वेबिनार? लाइक, वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग? डिड यू गेट एनी इंफॉर्मेशन वन बाय वन इफ यू लाइक टू शेयर? आशीष, Sir, I would like to say that the way you presented your thoughts and how you told us about how direction works and how to treat actors, like आपने ये बताया कि सर, अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आप अच्छा इंसान बन सकते हो। अगर आपको काम निकालना है, अगर आपको मतलब डायरेक्टर के ऊपर ही सब जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म का अच्छा होना बुरा होना, तो सर डायरेक्टर को कैसे काम निकालना है, ये डायरेक्टर का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और सर, एक्टर्स के साथ कैसे वर्क करना है, सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर, ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है फ्यूचर डायरेक्टर्स के लिए जो कि एस्पायरिंग डायरेक्टर्स है, तो सर ये चीज काफी हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, लवली फीडबैक। सर, एंड ऋतिक, यू वांट टू से समथिंग? डिड यू लर्न जी एनीथिंग? थैंक यू वेरी मच फॉर द वर्कशॉप। यस थैंक यू फॉर शेयरिंग द बुक नेम बाय सिडनी लुमेट एंड आई विल श्योरली बी यू नो रीडिंग दैट एंड इन केस आई विल बी यू नो आई वांट टू जॉइन सिनेमा सत्संग आई विल श्योरली कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू सर जयंत, थैंक यू। इज गॉन अगेन। जयंत, देव, ओके, आई विल शो यू व्हाट एवर 5 मिनट्स आई हैव, आई विल शो यू, आई विल हेलो ट्राई हेलो एंड शो यू। या जयंत, यू सर वांट टू से समथिंग? हेलो सर यस यस सर जयंत। सर एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन सर लाइक इज इट इम्पोर्टेंट कि सर हमें एक एफटीआई एनएसडी हमें मुंबई जाने से पहले या फिर लाइक अपने क्राफ्ट को स्ट्रांग करने के लिए करना जरूरी है तुमको क्या लगता है? सर। आई थिंक सो कि मतलब नसीरुद्दीन शाह, जैसे एनएस नसीरुद्दीन शाह, देखो, यस नसीरुद्दीन सर शाह गए थे एफटीआई में भी और एनएसडी, दोनों जगह, यस सर यस सर दोनों जगह 5 साल, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह। इरफान खान गए थे एनएसडी, नवाजुद्दीन जी सर सिद्दीकी गया एनएसडी। तुम क्या सिद्धार्थ, तुमको तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप दिखते हो या किस टाइप दिखते हो, वो भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो बता नहीं पा रहा हूँ।
और तुम्हारा कुछ कनेक्शंस है बॉलीवुड में या कुछ कैसा है? मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुमको ना, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि तुमको जाना चाहिए। अरे अभी देखिए, यू ठीक कैन सी मी है, नाउ। दिखने में तो ठीक ठाक हो, लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग ठीक ठाक है दिखने में। अभी तुम खास यस क्या अभी लेके जाओगे बॉम्बे में? बॉम्बे तो ऊपर हजारों लोग, लाखों लोग चले आते हैं, तो तुम क्या चाहोगे? तुम्हारे पास क्या था? अगर कम से कम, जरूरी नहीं है कि तुम FTI से हो तो तुमको काम मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो थोड़ा पढ़ा लिखा कास्टिंग डायरेक्टर होगा, एटलीस्ट तुमको एक रिस्पेक्ट करेगा, हेलो बोलेगा। वरना तो लाइन में तुमको भी खड़े रहना पड़ेगा जिनको कुछ भी नहीं आता उनके साथ। लेकिन तुमको मालूम रहेगा अगर तुम FTI से हो, कि जब तुमको एक मौका मिलेगा ऑडिशन देने का, तब तुम वो ऑडिशन में पार तब तुम वो ऑडिशन में पार दोगे, बहुत अच्छा करोगे तब तुम वो ऑडिशन में, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम 2 या 3 साल पढ़ाई में डालोगे, अभी तुम्हारा क्या एज है? ट्वेंटी हाँ, तो तुम अभी, तुम्हारा ज्यादा ओल्ड नहीं हो, तभी यंग हो, तभी तुम पढ़ सकते हो 2 साल। तो तुम पढ़ाई में डालोगे तो तुम्हारा वो, तुमको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि ऑडिशन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ऑडिशन में तुम बहुत अच्छा करोगे। कम से कम सर तुम्हारे यार सर क्राफ्ट दिस पे इज तुम्हारा कंट्रोल आएगा, तुमको क्राफ्ट पे सर दिस इज कॉन्फिडेंस द आएगा, इम्पोर्टेंट। है ना, क्राफ्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा। वरना तो हजारों लोग लाइन पे आएंगे, अच्छा कैसे करना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। कोई नेचुरली टैलेंटेड हो सकता है, गिफ्टेड, अमिताभ बच्चन टाइप। अभी अमिताभ बच्चन तो करोड़ों में एक होगा ना। मोस्ट ऑफ अस हैव टू लर्न एंड यू कैन ट्यून योर क्राफ्ट। और आज इतना कंपटीशन है, सो इफ यू हैव एज ऑन योर साइड एंड इफ यू गेट अ चांस टू लर्न, एंड एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट इजी गेटिंग इनटू FTI, इट्स नॉट इजी एट ऑल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इफ यू थिंक टुमारो यू विल गो एंड यू विल अप्लाई एंड यू विल गेट इट, इट्स नॉट दैट। यू नीड सम प्रायर, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, ओके फिल्में देखना पड़ेगा। खाली IPL देखने से नहीं होगा, सर वैसे सर मैं देखता नहीं आईपीएल, आई एम नॉट नहीं इंटरेस्टेड इन तुमको नहीं क्रिकेट बोल सो रहा हूँ, मच। जनरली यंगस्टर्स की मतलब बोल रहा हूँ, कि भाई खाली सोशल मीडिया पे बैठे रहने से, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो ऐसे यू कैन नॉट रीच द लेवल्स ऑफ इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एनी अदर। हु इज योर फेवरेट एक्टर? हु इज योर फेवरेट एक्टर? सर अभी जब से मैंने सर थोड़ा थिएटर मैंने शुरू किया है, लाइक थिएटर से पहले सर मैं लिटरली मैं बताऊँ ना मैं नहीं देखता था, मैं इरफान इरफान खान सर को, बट जब से 1.5-2 साल से मैं जो इस लाइन से जुड़ा हूँ, इस फील्ड से जुड़ा हूँ सर, तब से सर आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ सर मनोज वाजपेयी, नसरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान सर, तब तो तुम्हारे मतलब सब टॉप आइडल्स तो क्लास। सब ट्रेनिंग, मोस्ट ऑफ देम हैव टेकन ट्रेनिंग लाइक यस इन सर स्कूल और विदाउट स्कूल। राजकुमार राव सर मनोज वाजपेयी को एडमिशन नहीं मिला, लेकिन वो रेपर्ट्री में थे, बहुत साल उन्होंने थिएटर किया, रेपर्ट्री की, बैरी जॉन तब सर, जाके बैरी जॉन के उनको साथ भी काम किया। एडमिशन नहीं मिला। हाँ, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग तो सर है, जो भी तुम्हारे फेवरेट एक्टर है सबने ट्रेनिंग ली हुई है। तो अब तुम्हारा सवाल, तुमको खुद ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है, लेना चाहिए कि तुमको किस तरह का कलाकार बनना बट है, तुमको किस तरह सर बट का सर कलाकार बनना है ना, वो भी डिपेंड करता। सर बट सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले लाइक जब FTA शुरुआत अच्छा, जो एक FTA ने सेकेंड, स्क्रीन ये एक एक्टिंग मिनट बचा है, अभी ये खत्म हो जाएगा तो और हम रिन्यू नहीं करेंगे, या आप चाहते हैं कि मैं आपको क्लिपिंग दिखाऊं? सर